हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंटेलिजेंस केयर इंस्टीट्यूट। दिस इज डॉक्टर हैदर सर, जिसका कि सभी का स्वागत है इंटेलिजेंस केयर इंस्टीट्यूट में। इंटेलिजेंस केयर इंस्टीट्यूट पिछले 8 साल से अपना सफल बैच और सफल कोचिंग सेंटर चला रहा है, जिसमें हर साल बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं और आज इस मकाम पे हैं कि हमारे 250 बच्चों में हमारे 17+ सिलेक्शन हो रहे हैं क्लासरूम से, जो इंटेलिजेंस के लिए बहुत ही अच्छा मकाम है इस वक्त इंटेलिजेंस की सफलता के लिए। और मैं सारे पेरेंट्स यही कहूँगा क्योंकि हमारी टीम पूरे साल बच्चों के साथ काम करती है। हम जो है पूरे डाउट बच्चों के पूरे हमारी फैकल्टी 12 घंटे के लिए सेंटर पे ही रुकती है जो है, और एक सब्जेक्ट से रिलेटेड हम लोग कम से कम 3 से 4 फैकल्टी हमारे पास हैं जो बच्चों के डाउट क्लियर करती है। तो यहाँ पर पूरे साल हमारी फैकल्टी, मेन फैकल्टी हमारी लीड करती है कि कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होने हैं, कैसे क्वेश्चंस कराए जाएं बच्चों से। और मोस्टली यही होता है कि हम यही चाहते हैं कि हमारे जो टेस्ट हो रहे हैं वही क्वेश्चन एज इट इज़ नीट में आ जाएं। तो हमारी इसके लिए फैकल्टी रात भर काम करती है, पूरे रात काम करती है जो है कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम हों और बच्चों के डाउट क्लियर हों। तो इस साल इंटेलिजेंस ने अपना रिकॉर्ड तोड़ सिलेक्शन दिया है, जिसमें से काफ़ी बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं जो गांव से आते हैं, विलेज से आते हैं बच्चे, जो यूपी बोर्ड से बच्चे आते हैं और वो भी सेलेक्ट हो रहे हैं, वो भी सेकंड अटेम्प्ट में। तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जीरोथ अटेम्प्ट में भी बच्चा सेलेक्ट हुआ है जिसके 6 आ रहे हैं। अब सोचिए 668 नंबर आ रहे हैं 720 में, तो जीरोथ अटेम्प्ट 12th के साथ सिलेक्शन हो रहे हैं। तो ये इंटेलिजेंस के लिए जो है एक बहुत ही बेहतरीन समय है। और आप भी अगर अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो ज़रूर इंटेलिजेंस के इंस्टीट्यूट में आप भेजिए और डॉक्टर ले जाइए। ओके, बाय।